Before we start with the live medley that we have prepared for you, I would like to play for you this composition that I made this August or September during the monsoons. This is a passion for me that I like designing sounds, and I like creating ambiences. My aim is that I design such a sound that people get to visualize these scenes without seeing at the screen. So just let me know after this composition that if you could feel actually that it was raining and you were driving through the roads. इसके साथ एक special बात भी जुड़ी हुई है. If you notice, when we are like really blank, when we see a vast thing, कुतुब मीनार देखते हैं या कुछ पहाड़ देखते हैं तो एक शांति मिलती है. वो इसलिए होता है कि like our inner space, like we are seeing, mind repeat नहीं करता, कुछ multiple thoughts नहीं आ रहे हैं, you are like बड़ा vast कुछ देख के हम शांत हो जाते हैं, सागर देख के या पहाड़ देख के. दूसरा ये भी होता है कि कभी आपका मूड खराब है बहुत, या फिर इतना अच्छा था कि हंस हंस के थक के रुक गए, उस समय हम खाली होते हैं थोड़े. तो एक दिन मैं गाड़ी चला के आ रहा था अगस्त सितंबर, ऑफिस ही आ रहा था एंड मेरा मूड खराब था उस टाइम किसी वजह से. मूड खराब है, आई वॉज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज सैड. एंड दैट डे इट स्टार्टेड रेनिंग. आई डोंट नो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन आई स्विच द वाइपर ऑन एंड वो सामने हिप्नोसिस होने लग गया शायद, आई डोंट नो. बट आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग, मतलब बारिश वही थी बट हर किसी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रही. तो अब थोड़ा ये शायराना थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा बट एक्चुअली ऐसे ही था. सो पूरे रास्ते मैं सोचता रहा एंड बीच बीच में थोड़ी ये डेंजरस पैशन है कि मैं फोटो लेता रहता हूँ या विजुअल्स लेता रहता हूँ. तो बीच बीच में मैंने कुछ विजुअल्स भी लिए हैं जो आपको दिल्ली की बारिश का फील देंगे. दिल्ली की सर्दी तो बॉलीवुड ने फेमस कर दिया था. बट 90% ऑफ दीज विजुअल्स आर टेकन फ्रॉम बीबीसी एंड डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्रीज, जो कि मुझे अप्रोप्रिएट लगे मैंने प्लेस कर दिए. जो कम क्वालिटी वाले दिखेंगे वो मेरे छोटे से कैमरे से लिए. सो मैं ऑफिस पहुंचा एंड आई कॉल्ड अप माय मॉम. वो पोएम्स वगैरह लिखती हैं एंड हम दोनों मिलके, मैं मॉम और मेरी छोटी सिस्टर अरुणिमा, वी कंपोज सॉन्ग्स एंड वी मेक म्यूजिक एंड शॉर्ट फिल्म्स आल्सो फॉर सोशल. तो अब यहाँ पे आके ऑफिस का काम करना था, पोएम तो लिख नहीं सकते थे. बट आई वॉन्टेड अ वेंट आउट सो आई कॉल्ड हर अप एंड आई टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा मेरा आइडिया है. एंड मैंने ये देखा कुछ कुछ लोग, एक जाम लगा हुआ था बारिश की वजह से, कुछ लोगों को मटर कुलचे खाने का टाइम मिल गया था, पकौड़े की दुकान के आसपास, समोसे की दुकान के आसपास भीड़ लग गई थी, कुछ लोग अपना घर बचाने पर लगे हुए थे जो स्लम में थे, और कुछ बच्चे सिर्फ खेल रहे थे. आजकल नाव वाले बच्चे तो होते नहीं है, लेकिन थोड़ा कीचड़ में पैर वैर मार के किसी के ऊपर उछाल रहे थे कीचड़ ये सब. तो दिस वॉज अ पॉटपोरी ऑफ थॉट्स दैट आई हैड एंड आई पोर्ट इट आउट टू माय मॉम एंड आई आस्क्ड कि मुझे एक कंपोजिशन बनाना है तो आप प्लीज इस पर कुछ लिख दीजिए. तो बाय इवनिंग दिस वाज रेडी एंड आई कॉल्ड अप अ क्लासिकल सिंगर फ्रेंड ऑफ माइन टू नो अबाउट दिस राग मल्हार. आई हैवंट टेकन एनी ट्रेनिंग इन क्लासिकल. तो उन्होंने मुझे स्पेशली गा के भेजा इस राग का आलाप एंड वो मेरी छोटी सिस्टर ने मिमिक किया है दिस. सो दिस वन इज द बैकग्राउंड वोकल्स इज बाय माय सिस्टर एंड द कंपोजिशन एंड साउंड डिजाइन इज बाय मलहार. द मेन वोकल्स दैट यू हियर एंड वर्ड्स आर बाय मॉम. तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल कंपोजिशन है. बट इसके बाद यू आई वुड लाइक इफ यू गेट बैक टू मी अबाउट द साउंड डिजाइन एंड स्पेशली व्हाट यू सी इफ यू कैन विजुअलाइज विदाउट the scene itself. So I'm going to start it now. Thanks for the patience.